ओके तो अभी सबने अपनी राय बता दी, अब हम फॉर्मली जरा प्रेडिक्शंस भी ले लेते हैं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए कि किसके, अब हम इस पूरे सीजन की सबसे अहम तरीन प्रेडिक्शन अभी करने जा रहे हैं। देखिए जाहिर है कि पाकिस्तान का नॉकआउट मैच है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपने राय सबकी सुन ली तो प्रेडिक्शन का भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मली पूछूं पहले मैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी, चलो भाई पॉइंट टेबल दिखाओ यार पहले। डॉक्टर साहब वही अटके हैं अभी तक, पॉइंट टेबल दिखा दो भाई। तो वैसे प्रिडिक्शन देने वालों में शुएब तो जाहिर है, उन्होंने तो कहा ही था, लेकिन जो प्रिडिक्शन का टेबल बनता है उसमें डाक साहब कल वाइज बनते थे, जिन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा। तो ये बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। कल का मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान, पक्की बात? ओके सर। आमिर भाई आपने 50 माइक दे, 50-50 आपने कहा है तो 50-50 तो कह दिया है, लेकिन मुझे जो लगता है जिस तरह के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। ख्वाहिश तो होगी, लेकिन अगर क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से बात करें तो ओके मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, अफसोस होगा अगर पाकिस्तान हार जाएगा। लगता क्या है? अफसोस होगा अगर पाकिस्तान हार जाएगा। प्रेडिक्शन इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है? आपको नहीं पता कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ? मतलब है निकल के शॉट मारनी है, स्टंप आउट नहीं होना। पाकिस्तान, हाँ भाई आप भी बता दें यार, पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, मुंह की चुपा है ताकि फुटेज में मैं काउंट छोड़ दूं। हाँ जी, 50-50 है, लेकिन अगर इनाम होता तो 100% इनाम से क्या हो गया, निकले आप वहां से निकल रहे हो, पॉइंट से नहीं निकल रहे। 50-50, अच्छा ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। जिंदगी सेहत रही तो कल शाम 4 बजे से हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आमिर भाई, तनवीर भाई, यूनुस भाई, डॉक्टर साहब सारे के सारे, कल शाम 4 बजे के साथ, तनवीर भाई को छोड़ना नहीं, सब इंशाल्लाह। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।